हम लोग तो नियम के तहत उनको छोड़े हैं। महाकवियों को कहते हैं बाहुबलियों पर भरोसा हो रहा है, ये बात भी कर रहे हैं। ये नियम के तहत छोड़ा गया है। आप अगर आनंद मोहन जी को बाहुबली बता रहे हैं तो फिर 26 लोग कौन हैं? ये सरासर गलत है और नियम के तहत छूटे हैं। इसको मुद्दा बनाने की जरूरत नहीं है और भारतीय जनता पार्टी में हिम्मत है तो खुल करके बोल ले। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन, मैं आपके साथ अब्जय सिंह। पूर्व सांसद आनंद मोहन की आज रिहाई हो गई है, जिसको लेकर बिहार में सियासत काफ़ी तेज है। वहीं बात करें तो बिहार सरकार के मंत्री मदन सहनी से जब पूछा गया कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि आनंद मोहन को रिहाई क्यों किया गया और उनके साथ 26 लोगों को क्यों रिहा किया गया, इसी को लेकर उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं खुलकर बोल रही है, वो क्यों नहीं पूछती है कि आनंद मोहन को रिहाई क्यों किया गया। और वहीं बात करें तो उन्होंने ये भी कहा कि आनंद मोहन ये पहले व्यक्ति नहीं है जिन्हें रिहा किया गया है, ये तो कैबिनेट में भी पास हो चुका है कि उन्हें रिहा किया जाए। क्या कुछ कर रहे हैं मदन सहनी, पहले सुनिए उनकी बातों को। भारतीय जनता पार्टी इसी बात को खुल करके पूछे ना, वो भी तो गोल मटोल बोल रहे हैं ना, उनको भी कहाँ हिम्मत हो रहा है कि खुल करके बोले कि आनंद मोहन जी को क्यों छोड़े हैं। हम लोगों ने तो नियम के तहत छोड़ा है। इस देश का कोई पहला लोग तो है नहीं जिनको पैरोल पर उनको रिहाई दी गई है, परिहार दी गई है। ये तो कैबिनेट में ही डिसीजन हुआ था और उनके साथ 26 लोगों को और छोड़ा गया है। तो ये तो नाहक में भाजपा जो है इसको मुद्दा बना रही है और खुल करके बोल भी नहीं रहे, डर भी रही है कि कहीं वोट ना खराब हो जाए। तो वोट का राजनीति तो वो कर रहे हैं, हम लोग तो नियम के तहत उनको छोड़े हैं। महाकवियों को कहते हैं बाहुबलियों पर भरोसा हो रहा है, ये बात भी कर रहे हैं। ये नियम के तहत छोड़ा गया है। आप अगर आनंद मोहन जी को बाहुबली बता रहे हैं तो फिर 26 लोग कौन हैं? ये सरासर गलत है और नियम के तहत छूटे हैं। इसको मुद्दा बनाने की जरूरत नहीं और भारतीय जनता पार्टी में हिम्मत है तो खुल करके बोल ले। क्या लग रहा है कि दलित महादलित वोटों पर असर पड़ेगा महागठबंधन से? नहीं, इससे वोट का कोई लेना देना नहीं। मायावती भी आरोप लगा रही है, मायावती ने नीतीश सरकार को सब ये जो हमारी सरकार है, निष्पक्ष सरकार है, सबके लिए यह सरकार है। यहाँ कोई जाति धर्म को हम लोग नज़र में रख करके काम नहीं करते हैं। यहाँ सबके हित में निर्णय लिए जाते हैं और जो लोग बोल रहे हैं वो जातिगत भावना से बोल रहे हैं, उनको डर सता रहा है, इसलिए वो लोग इस तरह का आवाज़ उठा रहे हैं। हम लोग उसको कहीं महत्व नहीं देते हैं। कहा जा रहा है कि न्यायालय का काम जो है वो नीतीश सरकार का है, जो वामपंथी दल हैं। अरे उनका अपना मामला है, वो चाहते हैं कि उनके भी जो लोग हैं उनको उन पर भी विचार किया जाए, उन्होंने इसका कोई विरोध नहीं किया। तो आपने सुना मदन सहनी का, उनका कहना है कि जिस तरह से आनंद मोहन की रिहाई को लेकर भारतीय जनता पार्टी बोल रही है तो वो खुलकर क्यों नहीं बोल रही है कि आनंद मोहन की रिहाई क्यों किया गया, वो भी गोल मटोल बात क्यों कर रहे हैं। और वहीं बात करें तो उन्होंने ये भी कहा कि आनंद मोहन को पहले व्यक्ति नहीं है जिन्हें रिहा किया गया, पहले कई लोगों को भी रिहा किया गया है। और वहीं बात करें तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लगातार बिहार सरकार पर आरोप लगा रही है कि आनंद मोहन के रिहा कर रहे हैं, तो 26 ऐसे लोगों को रिहा किया जा रहा है जिस पर वोट को लूटा जाए। इस तमाम खबरों को न्यूज़ फॉर नेशन के साथ नमस्कार।